पंजाब में पंचायतों को कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले भंग करने का मामला राजनीतिक रंग ले गया है। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी सरकार के इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर आई। इस दौरान मोहाली के फेज 8 स्थित पंचायत भवन के बाहर कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय स्तरीय रोष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में कांग्रेस के राज्य प्रधान अमरिंदर सिंह राजा, वंडिंग व सीनियर प्रताप सिंह बाजवा, कई विधायक और पूर्व मंत्री शामिल हुए। इस मौके पर अमरिंदर राज वंडिंग ने कहा कि सरकार ने पंचायतों को भंग कर गलत किया, इस धक्केशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर फ्रंट पर फेल हुई है, वहीं अब पंचायतों को भंग कर गाँव में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस चीज की निंदा करती है, साथ ही हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की मुश्किल ना उठानी पड़े। चन्नी भी जता चुके हैं ऐतराज, कोर्ट तक जाने की कही बात। दूसरी तरफ पंचायतों को भंग करने के मामले में पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। उनका कहना है कि सत्ताधारी पार्टी ने ऐसा लोगों के साथ धक्का किया है, इस वजह से करीब 1 लाख पंच सरपंच सीधे प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी सरकार ने इन्हें बहाल नहीं किया है, साथ ही उन्हें हटाने संबंधी अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वह मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे, साथ ही कोर्ट से उनकी बहाल की दिशा में कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पंचायतों के साथ धक्का नहीं होने देगी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।